जो कैंप लगाया गया है इस कैंप से कि पेशेंट की जी चैकअप हो गए ने इस कैंप ज़्यादातर पेशेंट हैं जो गोडे दर्द ने जी और जिन्होंने चुगले तकलीफ है जिन्होंने कमर बैक पेन रही है और छोटे थोड़े मोटे टाइम वास्ते भी नहीं काफ़ी दो तीन साल जिमें बहुत पुराने टाइम तो उन्होंने दिक्कत हो रही है जी उन्होंने असं जो ट्रीटमेंट है ऑफर कर रहे हैं सर जिमें कोई की सुझाव ने आजकल क्या है आजकल छोटी उम्र से ही यूकोरिया की बहुत दिक्कत हो जाती है आजकल डिस्चार्ज सबको होता है पर समझ नहीं पाते कि यूकोरिया या हेल्दी डिस्चार्ज है तो हम यहाँ पे वो हेल्दी डिस्चार्ज है तो क्यों है उनके साफ सफाई के बारे में यहाँ बता रहे हैं अच्छा उनको दवाइयाँ दे रहे हैं यूकोरिया है तो उसको क्योर करने के लिए बैठे जनानियों को जो भी दिक्कत होती है आज उस हम उन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं दवाइयाँ दे रहे हैं तो उनको समझा रहे हैं सबसे पहली बात कि ये क्यों होती है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ये बीमारियाँ ना हो आज मैं यहाँ पे 26-27 पेशेंट्स देख चुकी हूँ ज़्यादातर क्या था कि उनको यूरिन में इन्फेक्शन था यूरिन में इन्फेक्शन अपने हाथ में होता है कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हर चीज़ दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं होती कुछ चीज़ें बताने की होती है तो आज हम हेल्थ के लिए यहाँ बैठे हैं और अच्छी गाइडलाइंस दे रहे हैं दवाइयाँ दे रहे हैं आज हमने इसलिए मैम जो जैसे खाने पीने की ओर से जो वो भी कोई प्रॉब्लम है जो आम रूटीन में हो रही है जनानियों में खाने पीने की बहुत वो होती है जिससे उनका खून कम हो जाता है खून कमी के कारण उनके क्या होता है महीने रुक जाते हैं आते नहीं है टाइम पे हॉर्मोन्स आजकल सबको पता है कि इम्बैलेंस हर लड़की के हो रहे हैं तो खाने पीने का भी हम जैसे डाइट प्लान करके देते हैं भाई कैसे खाना है वो किस तरह से खाना है कब खाना है आजकल लड़कियां क्या है कि सुबह नाश्ता नहीं करती उसकी वजह से भी हम बहुत दिक्कतें आ रही हैं खाना पीना सही बताना हमारा काम है और नहीं लग रही है उसके बारे में हॉर्मोन्स के बारे में स्पेशली हम हॉर्मोन्स के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि हॉर्मोन्स कैसे कंट्रोल में आ सकते हैं कैसे लड़कियों को सुझाव दिया जा सकता है छोटी उम्र से जब प्यूबर्टी लाइफ शुरू होती है लड़कियों की उस टाइम से हम बताते हैं कि हेल्थ कैसे ठीक हो जा सकती है पानी ज़्यादा